नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल कितनी बड़ी हिट होगी। 2023 में एक्शन फिल्म में चली हैं, भले वो फेक कलेक्शन हो जैसे कि फिल्म पठान, जवान, गदर 2, लेटेस्ट टाइगर 3, और अब एक्शन से भरपूर फिल्म आ रही है एनिमल। इसे डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी ने, जिनकी 2017 में पहली फिल्म आई थी अर्जुन रेड्डी और 2019 में कबीर सिंह। उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई, ये उनकी तीसरी फिल्म है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताया जा रहा है फिल्म का लेंथ, जो है 3 घंटे 21 मिनट। वैसे एक्चुअल फिल्म तो 3 घंटे 50 मिनट की है, लेकिन काट छाट करके इसको थिएटर के हिसाब से बनाया गया 3 घंटे 21 मिनट। रणबीर की यूथ ऑडियंस, लेडीज ऑडियंस उनसे दूर रहेगी, क्योंकि एकदम हार्ड कोर एक्शन है। और तो और इसको ए सर्टिफिकेट दिया गया है। ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने फिल्म के बारे में काफी अनाप शनाप लिखा है, जो आप उनकी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि 99% फिल्में जिनका प्रेस शो मेकर्स नहीं दिखाते हैं, वो अक्सर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। एनिमल का भी प्रेस शो नहीं रखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि मेकर डरे हुए हैं कि क्या मीडिया को फिल्म पसंद आएगी या नहीं। डायरेक्टर संदीप रेड्डी से भी सवाल किया गया था, क्या एनिमल 700 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी। वो इसका साफ जवाब देने से मुकर गए। खैर, उन्होंने फिल्म कबीर सिंह के बारे में रोचक बातें बताई कि पहले इसमें रणवीर सिंह को लेना चाहते थे, लेकिन रणवीर सिंह के पास डेट नहीं थी, इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया और फिल्म छोड़ दी, क्योंकि उनके अनुसार ये एक डार्क फिल्म थी। इसके बाद आए शाहिद कपूर इस फिल्म में, लेकिन संदीप रेड्डी डरे हुए थे कि शाहिद ने लाइन से फ्लॉप फिल्में दी हैं और एज ए सोलो उनकी 100 करोड़ की एक भी फिल्म नहीं थी। खैर, उन्होंने इस फिल्म को लिया और फिल्म तुक्का थी जो चल गई बॉक्स ऑफिस पर। बनी है 150 से 200 करोड़ के बजट की और 4500 स्क्रीन मिले हैं हिंदी के लिए और करीब 1000 साउथ की भाषाओं के लिए। और जैसे कि ट्रेड पंडित बोल रहे हैं, फिल्म को 35 से 40 करोड़ की मिनिमम ओपनिंग मिलेगी। वीकेंड डेफिनेटली फिल्म का अच्छा रहेगा, उसके बाद अगर फिल्म अच्छी हुई तो सस्टेन करेगी, वरना आप समझ सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का क्या हाल होगा। अमिताभ बच्चन की विलेन गिरी के फैन हुए प्रशांत नील को आज हर कोई जानता है। उन्होंने 2 बड़ी हिट फिल्में दी थी, KGF 2018 में और KGF 2 2022 में। और अब बहुत बड़े बजट की फिल्म आ रही है सालार, जो डंकी से टकराएगी। लेकिन सालार के प्रमोशन पर प्रशांत नील अपने हीरो प्रभास की तारीफ नहीं बल्कि अमिताभ की कर रहे हैं। प्रशांत के मुताबिक विलेन गिरी अमिताभ जैसा कोई एक्टर नहीं कर सकता। आपको पता होगा कि अमिताभ जी ने फिल्म बंदे हाथ, परवाना, डॉन, फरार, आंखें, राम गोपाल वर्मा की आग और कई फिल्मों में उन्होंने विलेन गिरी दिखाई है। और प्रशांत के अनुसार ही इज दी बेस्ट। मिस्टर प्रशांत, अमित जी की चमचागिरी इसीलिए तो नहीं कर रहे कि अगली फिल्म में आप उनको एज ए विलेन लेके कोई बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि आपने टीनू वर्मा को, जो अमित जी के खास चहेते हैं, उनको सलार के टीजर में इतना सारा फुटेज दिया कि फिल्म के हीरो बेचारे प्रभास तो जूनियर आर्टिस्ट नजर आए। IMDB में जवान, पठान, रॉकी और रानी टॉप पर। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है IMDB की, जिसको मंथली 200 मिलियन लोग विजिट करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी व्यूअरशिप है IMDB की। खैर, इसमें जो 3 फिल्में समावेश हैं टॉप में, उसमें जवान, पठान, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी शामिल है। इसके अलावा लियो, ओ माई गॉड 2 और जेलर का भी नाम आता है। वैसे आजकल पैसे देकर किसी भी घटिया फिल्म को टॉप में शामिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। बोनी कपूर नहीं बनाएंगे श्रीदेवी पर बायोपिक। आज जब बायोपिक का दौर चल रहा है तो लोग पूछते हैं कि श्रीदेवी पर बायोपिक क्यों नहीं बना रहे बोनी। बोनी ने साफ इनकार किया कि कभी भी जीवन में वो बायोपिक बनाएंगे, ना किसी को बायोपिक बनाने की राइट्स देंगे। 68 साल के बोनी कपूर ने शादी की थी श्रीदेवी से 1996 में और 2018 में श्रीदेवी का देहांत हो गया था। उनको 2 बच्चे हैं, 26 साल की जानवी और 23 साल की खुशी। बोनी वैसे तो श्रीदेवी के काफी बड़े फैन थे और उन्होंने 1987 में मिस्टर इंडिया लेके उनको बहुत बड़ी हिट फिल्म बनाई थी और उसी दौरान उनका प्रेम पनपा। और जब श्रीदेवी की माँ की तबीयत खराब हुई तो बोनी ने काफी रखा उनका और 96 में दोनों ने शादी कर ली। बोनी के अनुसार वो अपनी लव स्टोरी दुनिया को नहीं बताना चाहते, उनके दिल में जो लव है वो श्रीदेवी की तरह हमेशा शामिल रहेगा। मिस्टर बोनी, यकीनन आप बायोपिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें उजागर होंगी जो आप नहीं चाहते कि दुनिया जाने। अजय देवगन और रणवीर सिंह ने की सिंघम 3 की शूटिंग मुंबई में। बॉम्बे के गोल्डन टोबैको कंपनी, जो विले पार्ला में है, पिछले 10 दिनों से रोहित शेट्टी शूटिंग कर रहे हैं सिंघम 3 की। ये 10 दिनों का शेड्यूल है और आज इसका लास्ट डे है। वहाँ काफी एक्शन सीन शूट किए रोहित ने। उनकी टिपिकल स्टाइल में कई सारे कारों को जलाया गया, उड़ाया गया और 200 के आसपास का क्राउड था। इसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होगी फिल्म सिटी गोरेगांव में, जहां आश्रम का एक बहुत बड़ा सेट लगाया गया है और वहां भी रोहित एक्शन सीन शूट करेंगे।
करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग चलेगी मिड दिसंबर तक, उसके बाद रोहित ब्रेक लेंगे और फिर से शूटिंग शुरू करेंगे अगले साल। फिल्म की लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, अजय देवगन और रणवीर सिंह के अलावा दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और भी ढेर सारे आर्टिस्टों को भरा गया है। वैसे फिल्म तो रिलीज होने जा रही है 15 अगस्त 2024 को, लेकिन संभवतः रोहित शायद इसे पोस्टपोन कर दें क्योंकि उसी दिन आ रही है अर्जुन अल्लू की फिल्म पुष्पा 2। मिस्टर रोहित शेट्टी, आप कितनी कारें उड़ाएंगे? उम्मीद है कि आपने स्टोरी पे भी उतना ही ध्यान दिया होगा जितना कि एक्शन पर। सलमान खान को मुंबई पुलिस ने सतर्क किया। गैंगस्टर ने अपने फेसबुक अकाउंट से धमकी दी है सलमान खान को जान से मारने की। इसी संदर्भ में मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी का जायजा लिया और सलमान को अलर्ट रहने के लिए कहा है और साथ ही उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। धर्मेंद्र डिस्चार्ज हुए ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से। खबर है कि धर्मेंद्र को पिछले दिनों ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उनको न्यूमोनिया होने की खबर है, बहुत ही हाई फीवर था और कुछ दिनों के इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज के वक्त धर्म जी काफी वीक नजर आ रहे थे। आपको पता ही होगा कि कुछ महीनों पहले धर्म जी गए थे अमेरिका इलाज के लिए। हम धर्म जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं। दोस्तों, क्या आप अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं, पैन इंडिया पब्लिसिटी करना चाहते हैं, या अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट या बेचना चाहते हैं, या किसी नई फिल्म में पैसा लगाना चाहते हैं? क्या आपको कोई सेलिब्रिटी फिल्म टीवी या कोई मॉडल ब्रांड एम्बेसडर के लिए, मॉडलिंग के लिए, प्राइवेट इवेंट्स के लिए या फिल्म में लेना चाहते हैं? आपकी सभी सवालों का हल है हमारे पास। विस्तृत जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए 9820080299। नरेंद्र गुप्ता, थैंक्स। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमोस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।